दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अपने एयरटेल 4G हॉटस्पॉट जो है उसका जो है पासवर्ड अगर आप भूल गए हैं तो उसको आप कैसे रीसेट कर सकते हैं, और रीसेट करने के बाद जो आपका ये जो सिस्टम है जो पासवर्ड देता है उसको आप चेंज करके अपना पासवर्ड अपना नाम उसमें कैसे लगाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सभी चीज़ आपको पता चल जाएगा। आपके इस हॉटस्पॉट से कितना आदमी चला रहे हैं आपका हॉटस्पॉट, कितना आदमी क्या कर रहा है, सबको आपको कैसे ब्लॉक करना है, वो सभी चीज़ आपको इस वीडियो में मालूम चल जाएगा। तो दोस्तों, आपसे एक आग्रह कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक बेल आइकन आपको वहाँ पे दिखाई देगा, आप उसको भी दबा दीजिएगा, क्योंकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसको हॉटस्पॉट को आप लोगों को चालू करना होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको ऑन कर दिया है और अब अपना मोबाइल का वाईफाई जो है उसको ओपन करके आपको दिखला देता हूँ कि इसका जो है कोड लग गया है, और वो हमको जो है पासवर्ड इसका पता नहीं है क्योंकि मैंने ये सेकेंड हैंड लिया था। तो इसको आप कैसे रीसेट कर सकते हैं, रीसेट करने के बाद आपको इसमें अपना पासवर्ड जो आपको अच्छा लगे, अपना नाम जो कि वाईफाई में आपको कहीं पर भी कोई देखे तो आपका नाम हो, वो आप कैसे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है एक रीसेट का बटन, उस पर आपको क्लिक, पहले इसको चालू कर देना है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करने रहना है। तो देखिए, यहाँ पे आप जैसे ही आप क्लिक किए रहिएगा, यहाँ पे जहाँ पे जो लाइट दिया गया है वो आपको 3-4 बार ऑन ऑफ होंगे और उसके बाद जो है ये रीसेट हो जाएगा। तो जल्दी से हम इसको करते हैं रीसेट। देख लीजिए, यहाँ पर ये रीसेट होने लगा है और यहाँ पे देखिए, हो सकता है ये कुछ देरी के बाद आपको फिर से क्या करना है, इसको बंद कर देना है। तो मतलब कुछ देरी, कम से कम 5 मिनट आप इसको छोड़ दीजिए। जब आप इसको बंद कर दीजिएगा उसके बाद आप अपना बैटरी निकाल लीजिए। बैटरी निकालने के बाद यहाँ पे आप देखिएगा, उसका पूरा चिट्ठा वगैरह सब यहाँ पर दिया हुआ है और वाईफाई जो डिफ़ॉल्ट इसका की है इसमें आपको लिखा गया है। तो इसको आपको फ़ोटो खींच लेना है या फिर कहीं पर आपको रख देना है। उसके बाद फिर इसका जो हॉटस्पॉट है उसमें सिम लगाकर आपको इसको ऑन करना है। और चलिए अब हम इसमें कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, विशाल कम्युनिकेशन से अभी कनेक्ट है, यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगा था। तो दोस्तों, जो बैटरी निकाल कर हमने देखा था वो पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना होगा। तो मैंने उसका फ़ोटो यहाँ पर क्लिक कर लिया और वही अब यहाँ पर मैं डालूँगा। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर वही जो है उसका वो पासवर्ड है वो डाल देता हूँ। तो इसको मैं जल्दी से यहाँ पर डाल देता हूँ और उसके बाद जल्दी से कनेक्ट करता हूँ। तो ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है इसका, तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कोई प्रॉब्लम होता है तो, और लाइक कीजिएगा वीडियो को, अच्छा लगेगा, थोड़ी मोटिवेशनल मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये कनेक्ट हो चुका है। अब हम बतलाते हैं आपको कि इसका जो है नाम वगैरह इसको कैसे चेंज करना है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर चलाइएगा। यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको क्या करना है कि इसका जो एक लॉगिन का जो होता है एक डिफ़ॉल्ट होता है, तो यहाँ पे यूजर नेम में आपको एडमिन डालना है और पासवर्ड में भी आपको एडमिन ही डालना है। तो यहाँ पे मैंने एडमिन डाल दिया और फिर पासवर्ड में भी ADMIN एडमिन डाल देता हूँ, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको लॉगिन का आपको साइन दिखेगा, उसके बाद यहाँ पे ये कर देना है। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, होम पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग का चीन एक दिखाई देगा, आपको उस सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए ये कुछ ऐसा आता है। तो क्विक सेटअप में रहने देते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर जाकर यहाँ से हम आपको नेक्स्ट करके दिखलाते हैं। तो यहाँ पर अभी हम यहाँ पे अभी नेक्स्ट न्यू प्रोफाइल है, तो न्यू प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ से कैंसिल करना है, क्योंकि उस पर हमको क्लिक नहीं, नेक्स्ट पे हमको क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको नेम आपको जो देना है जो वाईफाई में शो करे वो आपको लिखना है। तो चलिए, यहाँ पर हम अपने चैनल का नाम दे देते हैं और आगे पासवर्ड में भी आपको जो भी अच्छा लगे वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए, हमारा चैनल का नाम है टिक टैक, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। और कुछ यहाँ पर हम पासवर्ड देते हैं, तो ये Bilal7876 या कुछ 789 हम डाल देते हैं, तो Bilal7876 के बाद जो है फिनिश पे क्लिक करना है। फिनिश पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ लोडिंग लेगा और उसके बाद सक्सेस का जैसे ही क्लिक मार देगा उसके बाद जो आपका नेट है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि जो आपका पासवर्ड कनेक्ट था इसमें वाईफाई का वो आप यहां से आप हट गया है। तो फिर से हमको उसको कनेक्ट करना पड़ेगा अभी जो नया पासवर्ड, देखिए यहां पे ये टिक टैक को
सर्च कर लिया है और यहाँ पे नाम चेंज हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पे फिर से इसको कनेक्ट करेंगे जो आपने पासवर्ड को यहाँ पे बदला है। उसके बाद यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया, उसके बाद हम इसमें जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा क्योंकि आने वाले सारी वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुँचे। तो दोस्तों हो गया, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। चलिए यही था आज का वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।